हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर। यह अन अकेडमी का अन अकेडमी यूपीएससी और आप देख रहे हैं मुझे यानी दुर्गेश नंदन को। अन अकेडमी यूपीएससी पर बच चुके हैं शाम के साथ और शाम के साथ बजे अन अकेडमी यूपीएससी पर मैं लेकर आता हूँ आपके लिए मिशन आईएएस 2021 सीरीज मंडे ट्यूजडे और वेनसडे। आज ट्यूजडे है तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं हमारा मिशन आईएएस 2021 सीरीज। मिशन आईएएस 2021 सीरीज में मैं आपको एंशियंट हिस्ट्री करवा रहा हूँ, प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में अभी हम लोग गुप्ता वंश कर रहे हैं, गुप्ता वंश के आर्ट एंड कल्चर के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो आज बात करेंगे गुप्ता वंश के आर्ट एंड कल्चर के बारे में। कल हमने गुप्ता वंश के एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन और शासन की व्यवस्था के बारे में जाना था, आज हम लोग गुप्ता वंश के आर्ट एंड कल्चर के बारे में जानेंगे। और आर्ट एंड कल्चर को समझने के लिए किसी भी राज्य की जो इकोनॉमी है उसको भी समझना जरूरी है, तो हम साथ ही साथ आज इकोनॉमी को भी समझेंगे गुप्ता वंश में। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट से आज का सेशन और बात करते हैं गुप्ता वंश के पहले इकोनॉमी के बारे में और फिर आर्ट और कल्चर के बारे में। तो गाइस ये है मेरे बारे में कुछ डिटेल्स, यू कैन चेक दिस आउट हियर। अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम स्टार्टिंग अ न्यू बैच ऑन अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। अन अकेडमी का जो प्लस और आइकॉनिक का प्लेटफॉर्म है, प्लस और आइकॉनिक पे मैं एक नया बैच शुरू कर रहा हूँ 7th of September से। 7 सितंबर से न्यू बैचेस स्टार्टिंग फ्रॉम 7 सितंबर ऑन प्लस एंड आइकॉनिक। मैं खुद इस न्यू बैच में आपको पूरा का पूरा GS1 कवर करवा रहा, मतलब हिस्ट्री है ना, पूरी की पूरी हिस्ट्री, साथ ही साथ हिस्ट्री के साथ मैं आपको ज्योग्राफी करवा रहा और सोशल इश्यूज करवा रहा, ठीक है। ये पूरा पोर्शन आपके लिए मैं करवा रहा। GS3 का जो एनवायरमेंट वाला पोर्शन है वो भी मैं आपको करवा रहा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मैं आपको करवा रहा, GS3 का एनवायरमेंट है ना, GS1 का ये वाला पोर्शन। और मजे की बात बताऊं आपको कि आप एक सब्सक्रिप्शन में कंप्लीट सिलेबस कवरेज कर सकते हैं, मतलब हर टीचर के हर कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल होंगे, आपको मल्टीपल सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। हर कोर्सेज इंक्लूड ऑप्शनल है ना, ऑप्शनल भी इंक्लूड हो जाएगा, CSAT भी इंक्लूड हो जाएगा, GS तो खैर है ही है, ठीक है। और कोर्स के साथ साथ आपके लिए टेस्ट सीरीज और क्विजेज भी अवेलेबल होंगे, सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन को टाइम टू टाइम असेस कर सकते हैं। अपना एक लेवल जो है वो अचीव करने में आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि रेगुलर असेसमेंट होना, तो रेगुलर असेसमेंट भी होगा और एक सब्सक्रिप्शन में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा। सारी क्लासेज अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन पे लाइव होती हैं और बिल्कुल इंटरैक्टिव सेशन होते हैं, ठीक है। DN लाइव इज द कोड जो कि आप यूज कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। DN लाइव यूज करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको एग्जाम के सारे लेवल्स पे है ना, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू, उनमें आपको मेरा गाइडेंस मिलता रहेगा। इंटरव्यू गाइडेंस भी जो आपको मुझसे मिलेगा दैट विल बी अनपैरेलल्ड है ना, मतलब यू कैनॉट कंपेयर दैट लेवल ऑफ इंटरव्यू गाइडेंस फ्रॉम एनीवन एल्स। एंड मतलब यू विल बी मे बी सरप्राइज टू नो दैट माई स्टूडेंट्स हैव बीन टॉप स्कोरर्स इन UPSC इंटरव्यू इन पास्ट फ्यू ईयर्स, राइट। तो You'll be basically learning from the guru of the toppers and आपको इसीलिए साथ ही साथ pro tips भी मिलते रहेंगे effective preparation के और efficient time management के, right? So you can check this out here. This is the letter from Himanshu. Himanshu is ranked 27 this year, All India ranked 27, right? So he'll be getting into Indian Foreign Service. उसका पहला preference Indian Foreign Service का, तो वही मिलेगा उसको। चलिए तो fee जो है That is 44,000 for 1 year, 64,000 for 2 year. आप DN Live apply करेंगे, 10% का discount हो जाएगा. And then the fee for 1 year will be 39,000 and 2 year will be 57,000. ठीक है जी, चलिए तो ये fee details है. आप चाहें तो iconic भी ले सकते हैं, वहाँ पे आपको personal guidance वगैरह मिल जाता है. Personal guidance, daily answer writing, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको available हो जाएंगी An Academy के iconic पे, ठीक है. तो personal coach होगा, daily answer writing, study planner, पर्सनलाइज्ड फीडबैक भी मिलता रहे। आइकॉनिक का 1 ईयर का फी 64 है, 2 ईयर का फी 99 है। यहाँ पे भी आप DN Live कोड यूज कर सकते हैं और आपको सेम बेनिफिट यहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो मैंने कुछ स्पेशल क्लासेस पहले लिए हैं तो उनको यहाँ पर आप देख लीजिए, है ना। ये जो स्पेशल क्लासेस हैं ये कुछ ऐसे स्पेशल क्लासेस हैं जो आपको जरूर से देखने चाहिए। ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मैंने 23 अगस्त को 5 सेशन लिए थे, आप इनको चेक कर सकते हैं। इससे आपको ट्रेंड एनालिसिस भी मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देख भी पाएंगे। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया है तो आपको असेसमेंट में हेल्प होगा और अगर आप कोई पढ़ना शुरू करने वाले हैं तब तो जरूर देखें, आपको एक ओरिएंटेशन मिलेगा, है ना।
मैंने ज्योग्राफी के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के भी वीडियोस दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं। अर्थ बेसिक्स से ये थोड़े पुरानी वीडियोस हैं, मई में लिए थे मैंने। अर्थ बेसिक्स में मैंने काफ़ी सारे 3-4 क्लासेस यहाँ पे लिए, जो आपकी अगर आप सेल्फ स्टडी करके तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। पॉलिटी का सीरीज मैं यहाँ पर ले रहा था, अभी आप लोगों के डिमांड पे उसको रिज्यूम कर रहे हैं, तो कल से वो सीरीज शुरू होने वाला है 10 बजे। तो उससे पहले आप लोग ये सारे सेशन जो हमने पहले लिए हुए हैं उसको ज़रूर से देखें, ठीक है। कल से ये सेशन शुरू होगा, हमने अगस्त के मंथ में शुरू किया था, फिर थोड़े टाइम के लिए हमने इसको पॉज कर दिया था। कल से वी आर स्टार्टिंग इट अगेन, द पॉलिटी सीरीज अनअकैडमी के ऐप पे होगा, सुबह 10 बजे होगा, मंडे टू फ्राइडे होगा। 3 बातें ध्यान रखनी है, पॉलिटी सीरीज बिल्कुल बोर्ड पे आपको पढ़ाऊंगा मैं, जैसे पहले पढ़ा रहा था। शुरुआत की जो क्लासेस ली हैं आप उनको जाकर चेक कीजिए, क्लासेस की हेडिंग में पॉलिटी सीरीज लिखा होगा और साथ में टॉपिक लिखा होगा, तो बैकग्राउंड वगैरह बता चुका हूँ, जाके फटाफट से इनको चेक कर लेना, ठीक है। और अनअकैडमी के ऐप पे होगा दिन के 10 बजे मंडे टू फ्राइडे। चलो आज के टॉपिक पे आ जाते हैं, गुप्ता के आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करना है। आर्ट एंड कल्चर को समझने के लिए पहले इकोनॉमी को समझना पड़ेगा, आ जाओ देखते हैं कि गुप्ता की इकोनॉमी में क्या चल रहा है। तो भैया गुप्ता इकोनॉमी के मेन फीचर्स क्या हैं, व्हाट आर द मेन फीचर्स, और यू कैन से व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ गुप्ता इकोनॉमी, है ना। गुप्ता काल की अर्थव्यवस्था का जो फीचर है वो क्या है। सबसे पहला फीचर आप देखेंगे, सबसे स्ट्राइकिंग फीचर जो है वो यह है कि गुप्ता काल में ट्रेड जो है ना बॉस जबरदस्त बूम कर रहा है, द ट्रेड इज रियली बूमिंग, है ना, ट्रेड बहुत जबरदस्त चल रहा है। और चूंकि ट्रेड बहुत जबरदस्त चल रहा है, और मैं किस ट्रेड की बात कर रहा हूँ, ज्यादातर मैं जिस ट्रेड की बात कर रहा हूँ, भारत में इंटरनल ट्रेड तो हमेशा से ही है, एक्सटर्नल ट्रेड भी हमेशा से रहा है, बट गुप्ता के टाइम पे वो बड़ा पीक पे पहुंच गया। और अगर एक्सटर्नल ट्रेड पीक पे है मतलब ट्रेड से आने वाला रेवेन्यू जो है वो काफी ज्यादा होगा। तो आप देखेंगे कि जो ईस्ट साइड के और जो वेस्ट साइड के पोर्ट्स हैं, है ना, ईस्ट और वेस्ट के जो पोर्ट्स हैं वहां से खूब सारा कस्टम रेवेन्यू आ रहा है। कस्टम टैक्स लेते हैं ना, जब फॉरेन ट्रेड होता है तो उसमें कस्टम चार्ज लेते हैं हम, तो कस्टम जो चार्ज है वो खूब सारा आ रहा था हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न पोर्ट्स से। तो ट्रेड बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया ट्रेड होने के कारण खूब सारा कस्टम रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है। ट्रेड बहुत बढ़िया होने का एक कारण जो है वो ये है कि यहाँ पर कई सारी श्रेणियां बन चुकी थी। अब आप सोचेंगे कि सर ये श्रेणियां क्या है, जैसे हमारे समाज में कास्ट सिस्टम होता है ना, ब्राह्मण्स हैं, दलित हैं, क्षत्रिय हैं, तो ऐसे ये जो कम्युनिटीज हैं इसी टाइप की कम्युनिटीज होती हैं, बट दीज कम्युनिटीज आर इकोनॉमिक लाइन्स। ये श्रेणियां और द गिल्ड्स, क्या शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है गिल्ड, हिंदी का शब्द है श्रेणी। तो श्रेणी या गिल्ड जो है ये इकोनॉमिक कम्युनिटी है, या आप कह सकते हैं इकोनॉमिक ग्रुपिंग है, एक ऐसा ग्रुपिंग है जो इकोनॉमिक आधार पर क्या है बना हुआ है। जैसे कि जो लोग सोने का काम करते हैं, सोना मतलब गोल्ड, ठीक है, गोल्डस्मिथ का काम करते हैं, तो गोल्डस्मिथ एक कैटेगरी हो गई, है ना, तो गोल्डस्मिथ एक ग्रुप हो गया, एक इकोनॉमिक ग्रुपिंग, इसको हमने बोल दिया एक गिल्ड। इसी प्रकार से कुछ लोग लोहार का काम करते होंगे, जो लोग लोहार का काम करते हैं वो एक ग्रुप हो गए, है ना। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कोर्ट में काम करते होंगे, राजा को सेक्रेटरियल असिस्टेंस देने का काम करते होंगे, आज भी होते हैं ना सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उस समय भी कुछ राजा के भी तो सेक्रेटरीज हुआ करते थे जो राजा को सजेशन देते थे, राजा को एडवाइस देते थे, उनका एक गिल्ड हो गया, उनको हमने बोल दिया कायस्थ, सुनार हैं, कायस्थ हैं। इस तरह से अलग अलग गिल्ड्स बने, अलग अलग ग्रुपिंग्स बने, इन ग्रुपिंग्स का आधार जो है वो अर्थव्यवस्था है, मतलब अर्थव्यवस्था में उनका क्या रोल है। तो बेसिकली गिल्ड इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द निशे, है ना, निशे। आप कहते हैं ना कि हर किसी का एक स्पेसिफिक रोल है, आप एनवायरमेंट में भी इस टर्म को पढ़ते हैं, द इकोलॉजिकल निशे, तो निशे क्या रिप्रेजेंट करता है, हर किसी का स्पेसिफिक रोल। जैसे अनअकैडमी मान लीजिए अगर एक इकोसिस्टम है, तो वहां पे मेरा एक स्पेसिफिक रोल है, आपको पढ़ाना, आपको गाइड करना, है ना, टीम को कुछ कंसल्टेशन देना, मेरा जिस प्रकार से एक स्पेसिफिक रोल है अनअकैडमी में, उसी प्रकार से ये जो सुनार है इनका एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक रोल है ना। दूसरी कम्युनिटी वाले सुनार का काम नहीं करेंगे, लोहार का जिनका काम है, दूसरी कम्युनिटी वाले लोहार का काम नहीं करेंगे, नहीं सेक्रेटरियल असिस्टेंस कायस के अलावा कोई करेगा, है ना। तो सब अपना अपना एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक फंक्शन निभा रहे हैं, और इसी स्पेसिफिक इकोनॉमिक फंक्शन से ग्रुपिंग्स बने हैं, इस ग्रुपिंग को हम क्या कह रहे हैं, गिल्ड सिस्टम कह रहे हैं, ठीक है, इस इकोनॉमिक ग्रुपिंग को हम कह रहे हैं गिल्ड सिस्टम। आई होप दिस टर्म इज वेरी मच क्लियर, इकोनॉमिक सिस्टम पर आधारित जो ग्रुपिंग्स हैं। तो
गिल्ड सिस्टम और कास्ट सिस्टम जो है वो सिमिलर टर्म्स हैं बट डिफरेंट है. कास्ट जो है वो बर्थ पर डिपेंडेंट है. द कास्ट सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन बर्थ. बट गिल्ड यानी कि श्रेणी जो है वो डिपेंडेंट किस चीज पर है? वो डिपेंडेंट है कि आप क्या काम कर रहे हैं. आपका इकोलॉजिकल नहीं, आपका इकोनॉमिक निशे क्या है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, उस पर्टिकुलर राज्य में. तो ये है भैया गिल्ड सिस्टम. तो गिल्ड सिस्टम के कारण क्या हुआ? गिल्ड सिस्टम जब एक मजबूत गिल्ड सिस्टम बना तो ऑर्गेनाइजेशन जब भी मजबूत होगा, है ना, सब लोग यूनाइटेड होकर एक जगह इकट्ठा होकर, है ना, और फिर काम कर रहे हैं. सारा ब्रेन्स एक जगह इकट्ठा होकर लग रहा है और फिर काम हो रहा है, मतलब प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी. प्रोडक्टिविटी ज्यादा मतलब प्रोडक्शन ज्यादा, मतलब इस समय गुप्ता काल के टाइम पे जीडीपी जो है वो ज्यादा हो रहा था, सकल घरेलू उत्पाद जो है वो ज्यादा हो रहा था. अब आप बोलेंगे सर जीडीपी का कंसेप्ट उस समय आ गया था क्या? अरे जीडीपी के कंसेप्ट पे मत जाओ ना, भावनाओं को समझो ना. जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी का मतलब क्या होता है? द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द टोटल, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, है ना, एक देश के बाउंड्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसका मॉनेटरी वैल्यू, उसका इकोनॉमिक वैल्यू. इसीलिए मैंने जीडीपी टर्म का प्रयोग किया कि गुप्ता काल के टाइम पे एक मजबूत, एक ऑर्गेनाइज्ड गिल्ड सिस्टम होने के कारण जीडीपी जो है वो बड़ा जबरदस्त था. ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो फ्लरिश कर रही है, ट्रेड अच्छा है और गिल्ड सिस्टम अच्छा है, सब इकोनॉमिकल इकोनॉमिक निशे है, जीडीपी बढ़िया चल रहा है, कस्टम बढ़िया आ रहा है. अगर सारी चीजें अच्छी हैं तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होगा, आप मुझे बताइए. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, जाहिर सी बात है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी हाई होगा. तो आप देखेंगे कि गुप्ता टाइम पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है. अब आप बोलेंगे सर कि आपने बताना था कल्चर, तो आपने ये क्यों बताया, कि इकोनॉमी कैसी चल रही है? तो कल्चर क्या है? कल्चर मेरा फूड हैबिट है. कल्चर क्या है? मैं किस तरह के घर में रहता हूँ, मैं मंदिर में जाता हूँ या मस्जिद में जाता हूँ, तो जो मंदिर है वो किस प्रकार का है? क्या पत्थर को काट के मंदिर बनाया गया, छोटा सा, या बड़ा कोई वृहद टेम्पल आर्किटेक्चर है? ये सारी चीजें किस चीज पर डिपेंड करेंगी? ये सारी चीजें जो है उस काल के, उस टाइम फ्रेम का जो आर्थिक परिस्थिति है, इकोनॉमिक कंडीशन है, उस पर डिपेंड करेगा. एंड दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी. और इसीलिए आप देखिए अंत में मैं किस पॉइंट पर आया कि इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ये हाई है. इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है. ठीक है, चलिए समझ गए यहां तक की बात, आओ आगे देखते हैं. तो मैंने बात किया कि ट्रेड बढ़िया चल रहा है. तो ट्रेड कैसे बढ़िया चल रहा है? बिल्कुल फोकस कीजिए सभी लोग, इधर उधर ध्यान ना दे, फटाफट से शेयर कर दीजिए. एक बार जल्दी से शेयर कर दिया, और अगर किसी ने लाइक वाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो और शेयर कर दो. फटाफट से लाइक करना और शेयर करना, डू नॉट वेट, जल्दी से आ जाओ. लाइक और शेयर करके जल्दी से वापस आ जाओ, जल्दी फटाफट से. देखो भैया, अच्छा मैंने आपको नया अनाउंसमेंट बता दिया. हम सुबह में जो 7 AM पे क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं उसके बारे में कुछ अपडेट देना था मुझे आपको. 7 AM पे क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो अब से, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि 100%, बट 70% कुछ एक दो पॉइंट्स हो सकता है मैं अंग्रेजी में ही छोड़ दूं, एक दो पॉइंट्स या एक दो स्लाइड्स में अंग्रेजी में ही छोड़ दूं, बट 70-80% पूरे कंटेंट का आपको हिंदी ट्रांसलेशन भी अब से मिलेगा, मतलब कल से मिलेगा. ठीक है, कल से आपको हिंदी ट्रांसलेशन भी मिलेगा जो हमारा मॉर्निंग का 7 AM का सेशन होता है. साथ ही साथ 7 AM के सेशन में हम शुरुआत के 40 मिनट मेंस संबंधी चर्चा करते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस. फिर मैं आपको एक सवाल देता हूं लिखने के लिए, ये तो आप लोगों को पता है. हम लोग कल से 20 मिनट का एक और कंपोनेंट इसमें ऐड कर रहे हैं. ये 20 मिनट का कंपोनेंट जो होगा ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक होगा, है ना. प्रीलिम्स से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स हम 20 मिनट डिस्कस किया करेंगे. ठीक है, तो दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू गाइस कि कल से हम लोग 40 मिनट के आसपास डिस्कशन करेंगे. हमारा जो मेंस संबंधी टॉपिक है, जो आपको उस दिन थंबनेल पे यानी कि फोटो में दिख रहा होगा कि ये टॉपिक है आज का, तो 40 मिनट हम उस चीज पर चर्चा करेंगे. फिर हम आंसर राइटिंग के लिए एक क्वेश्चन देंगे. उसके बाद बचे हुए 20 मिनट में हम लोग प्रीलिम्स से संबंधित कुछ टॉपिक करेंगे. ठीक है, कंफर्टेबल?
कंफर्टेबल, तो प्रीलिम्स से संबंधित टॉपिक करेंगे 20 मिनट के लिए। तो कल से सबको 7 बजे आ जाना है, और जिन लोगों को उठने में दिक्कत होती है 7 बजे, तो भैया सोच लो यूपीएससी में अब 1 साल नहीं बचा है, मुश्किल से 10 महीने बचे हैं। दिन गिनोगे तो 10 महीने में भी आपको दिन कम कर पढ़ने पड़ेंगे, मिलने पड़ेंगे, है ना। कम दिन है तो आपको जगना शुरू कर देना है, क्योंकि आज नहीं जागोगे तो कल कैसे परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो बी देयर एट 7 AM, 7 AM पे ये चेंजेस हैं। चलिए वापस से आ जाते हैं, वापस से आ जाते हैं, ठीक है। आओ कंफर्टेबल, ठीक है, आ जाओ। तो ट्रेड किस तरह का चल रहा है, तो गुप्ता हैड अ फ्लरिशिंग ट्रेड विथ रोमन एम्पायर, है ना। जो रोमन एम्पायर है उनके साथ इनका ट्रेड जो है वो बड़ा फ्लरिश कर रहा था, पर बाद के समय में जब गुप्ताज का फॉल का टाइम आएगा, है ना, जब हुना इन्वेजन होगा, अभी गुप्ता का फॉल हमने पढ़ा नहीं, अभी ये सारी चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद गुप्ता का फॉल पढ़ेंगे। तो जब हुन यानी कि अंग्रेजी में बोले तो हुना का इन्वेजन होगा, तो जब हुन या हुना का इन्वेजन होगा, ठीक, ठीक है, चलिए कंफर्टेबल अप टू हियर, चलिए आओ। तो बात कर रहे थे हम ट्रेड की, तो हुंस के साथ जब इन्वेजन, हुंस का इन्वेजन जब हुआ, उस समय आप देखेंगे, हुंस के इन्वेजन के समय आप देखेंगे कि ट्रेड जो है रोमन के एम्पायर के साथ थोड़ा डाउन हो गया, अदरवाइज पूरे गुप्ता काल में ट्रेड जो है वो बहुत जबरदस्त चल रहा है, जो फॉरेन ट्रेड है वो बहुत जबरदस्त चल रहा है। जो ट्रेड कॉन्टैक्ट्स हैं, ट्रेड कॉन्टैक्ट्स कुशान पीरियड से ही स्थापित हुए हैं, और कुशान पीरियड से जो ट्रेड कॉन्टैक्ट स्थापित हुए हैं वो आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त 2 के टाइम तक चल रहे हैं। और चंद्रगुप्त 2 ने जब वेस्टर्न इंडिया पे कॉन्क्वेस्ट कर लिया तो ट्रेड और ज्यादा फ्लरिश कर गया, क्योंकि वेस्टर्न इंडिया जो है वो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न इंडिया जो है उसका समुद्री एडवांटेज है, उसका कोस्टल एडवांटेज है, कोस्टल एडवांटेज से कोस्टल ट्रेड पर एक्सेस मिल गया गुप्ताज को, और जब कोस्टल ट्रेड पर एक्सेस मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है कि कस्टम से आने वाला जो रेवेन्यू है वो बढ़ गया, जो ट्रेड का वॉल्यूम है वो बढ़ गया, क्योंकि लैंड रूट तो पहले से ही था, अब एक एक्स्ट्रा एवेन्यू मिल गया। जब एक्स्ट्रा एवेन्यू मिल गया तो क्या हुआ, जब एक्स्ट्रा एवेन्यू मिल गया तो ज्यादा ट्रेड, ज्यादा कैसा ट्रेड मिला, बहुत जबरदस्त वाला वाइब्रेंट ट्रेड हो गया, ठीक है। अब देखेंगे कि गुप्ता काल के जो लोग हैं वो प्रॉस्पेरस हैं, है ना, और दे वेर फ्री टू ग्रो एंड फ्लरिश, दे आर फ्री टू ग्रो एंड फ्लरिश, क्यों, क्योंकि गुप्ताज आर लिबरल रूलर्स, लिबरल हैं, क्यों, लिबरल तो होना पड़ेगा, खुद क्षत्रिय नहीं है, खुद क्षत्रिय नहीं है फिर भी रूल कर रहे हैं, अगर ऐसे में भी लिबरल नहीं होंगे तो जनता उनको आसानी से रूल करने देगी क्या। तो परिस्थिति बताती है कि किसका नेचर कैसा होगा, है ना, परिस्थिति बताती है कि किसका नेचर कैसा होगा। तो उनकी परिस्थिति ऐसी है कि लिबरल तो आउटलुक उनको मेंटेन करना ही पड़ेगा। गुप्ताज जो हैं वो खुद हिंदू हैं, गुप्ताज जो हैं वो खुद हिंदू हैं, ठीक है, भले ये कंफर्म नहीं है कि बनिए हैं, मतलब वैश्य हैं या ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं, बट हैं तो हिंदू, है ना। तो गुप्ताज हिंदू हैं किंतु परंतु बंधु वो टॉलरेंट हैं, बुद्धिज्म को भी हार्म नहीं पहुंचा रहे, जैनिज्म को भी हार्म नहीं पहुंचा रहे, बुद्ध धर्म को फॉलो करने वाले, जैन धर्म को फॉलो करने वाले सबको इक्वल प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और तभी ट्रेड ग्रो कर रहा है। अगर आप सोसाइटी में टॉलरेंस नहीं रखेंगे, सामाजिक टॉलरेंस नहीं होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात का, सामाजिक टॉलरेंस नहीं होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। आप वेस्ट एशियन कंट्रीज को देखिए, वेस्ट एशियन कंट्रीज में टॉलरेंस नहीं है, वेस्ट एशियन कंट्रीज में टॉलरेंस नहीं है, तो आप देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। वेस्ट एशिया की अगर कुछ देशों की इकोनॉमिक कंडीशन आपको अच्छी लगती है तो सर वो ऑयल के कारण है। अगर अगर ये ऑयल इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए तो पूरा का पूरा वेस्ट एशियन इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं वेस्ट एशिया में, है ना।
वहां का जो इकोनॉमिक बास्केट है, वेस्ट एशिया का जो इकोनॉमिक बास्केट है वो डाइवर्सिफाइड नहीं है। एक डाइवर्सिफाइड, एक वाइब्रेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी हो इसके लिए बहुत जरूरी है कि सोसाइटी जो है वो टॉलरेंट है, गवर्नमेंट जो हो वो लिबरल हो। गुप्ता लिबरल थे, इस समय की सोसाइटी टॉलरेंट थी, है ना। तो हम बात कर रहे थे ट्रेड की, मतलब ट्रेड बड़ा अच्छा होगा। मैंने बताया कि गुप्ता का वेस्ट तक यानी कि इंडिया के कोस्ट तक पहुंच चुके हैं, है ना। और जब इंडिया के कोस्ट तक पहुंच चुके हैं तो कोस्टल ट्रेड जो है उससे काफी बढ़ जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट टाउन्स जो है वो है इनके टाइम पे भृगु कच्छ। अब आप पूछेंगे सर ये भृगु कच्छ, ये नाम तो हमने नहीं सुना। तो अगर आपने भृगु कच्छ का नाम नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आपने गुजरात में भरोच का नाम तो सुना होगा। तो जो आज का भरोच है वो उस समय का भृगु कच्छ हुआ करता था गुप्ता काल का। कल्याण और सिंध, ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हुआ करते थे गुप्ता काल के, सिंध जो कि आज पाकिस्तान की तरफ जा चुका है। और यहां से रोमन्स के साथ बल्क में ट्रेड होता था, है ना। तो जो कोस्टल ट्रेड है, जो समुद्र के रास्ते से ट्रेड है, उसकी वजह से ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स बन गए थे। बट अगर आपको याद हो तो हमने उत्तरापथा दक्षिणापथा के बारे में पहले डिस्कशन किया है। हमने आपको बताया कि इंडिया के ट्रेड रूट्स किस प्रकार से सिल्क रूट से जुड़े हुए थे, और पाटलिपुत्रा से जो ट्रेड रूट आता था, साउथ इंडिया से जो ट्रेड रूट आता था, दोनों ट्रेड रूट आकर इंटरसेक्ट कहां से कर रहे हैं। ये साउथ इंडिया से आ रहा है, ये पाटलिपुत्रा से आ रहा है, दोनों आकर इंटरसेक्ट कहां से कर रहे हैं। ये जंक्शन कौन सी जगह है, ये जंक्शन जो है, इस जंक्शन का नाम है उज्जैन, है ना। तो उज्जैन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर बन गया गुप्ताज के टाइम पे। उज्जैन जो है वो एक कॉमर्शियल सेंटर बन गया, वो जंक्शन बन गया ईस्ट से आने वाले ट्रेड का और साउथ से आने वाले ट्रेड का। और इसीलिए आप देखेंगे कि गुप्ताज ने बाद में उज्जैन को अपने सेकेंड कैपिटल की तरह डेवलप किया। उज्जैन वाज डेवलप्ड एज द सेकेंड कैपिटल बाय द गुप्ताज। तो उज्जैन की महत्ता इतनी बढ़ गई। इस बात से एक बात और समझिएगा कि किसी भी प्लेस की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस जो है, किसी भी प्लेस की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत हद तक जो उस प्लेस की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वहां से आती है। और उज्जैन का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जबरदस्त था, और इसीलिए आप देखेंगे कि उज्जैन को सेकंड कैपिटल बना दिया। जब किसी भी जगह को राजधानी बनाई जाए तो वहां पर मुख्य रूप से आपको दो फैक्टर्स देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो पाटलिपुत्र हो, चाहे वो उज्जैन हो, चाहे वो मेडिवल टाइम्स में कन्नौज हो। आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, क्या? पहला उस जगह का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और दूसरा उस जगह का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। पाटलिपुत्र में स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दोनों था। जब हमने मगध की बात की थी उस समय पाटलिपुत्र की बात की थी। मैं आपको लिंक कराने की कोशिश कर रहा हूं, जब आप अलग अलग एस्पेक्ट को लिंक कर पाएंगे तभी एक बढ़िया बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। जब तक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप नहीं होगी आप बढ़िया आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे। जब तक आप चीजों को लिंक करना नहीं सीखेंगे आप एक अच्छा उत्तर नहीं लिख पाएंगे, और जब तक आंसर राइटिंग स्किल आपकी जबरदस्त नहीं होगी तो जबरदस्त रैंक कैसे लाएंगे मेरे भाई। तो आओ देखो, पाटलिपुत्र में भी इकोनॉमिक एडवांटेज और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दोनों। इकोनॉमिक एडवांटेज कैसे? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है पाटलिपुत्र में, तो इसका पाटलिपुत्र को क्या फायदा है? पानी के रास्ते, जल मार्ग के रास्ते जो ट्रेड होता है उसका वो सेंटर है, है ना। सोन नदी भी वहीं पर आके मिल रही है, गंडक भी वहीं पर आके मिल रही है, एक छोटी सी नदी पुनपुन भी है, तो एक तरह से जल दुर्ग सा बन गया। तो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी है कि दुश्मनों के आक्रमणों से थोड़ा सा सेफ है, तो दोनों एडवांटेज है। उज्जैन को जब राजधानी बना रहे हैं तो क्या सिर्फ इकोनॉमिक एडवांटेज है? नहीं, उज्जैन जो है वो लगभग बिल्कुल देश के बीच में है, जो उस समय का अखंड भारत वर्ष है उस अखंड भारत वर्ष के केंद्र पर लगभग उज्जैन सिचुएटेड है। तो इकोनॉमिक फायदा तो है ही, साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक फायदा भी है कि सेंटर है, राजधानी सेंटर पे हो, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, ठीक है। तो उज्जैन इनका सेकेंड कैपिटल बन गया, ठीक है, उज्जैन इनका सेकंड कैपिटल बन गया, ठीक है, कंफर्टेबल जी, कंफर्टेबल आ जाओ, आगे चलें। चैट बॉक्स पे ध्यान मत दीजिए आप लोग, चैट बॉक्स पे जो चल रहा है चलने दो, ठीक है, आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक, आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, आ जाओ, चलिए।
नासिक, पैथन, पाटलिपुत्र, बनारस, ये सारे जो हैं ये मेजर ट्रेड सेंटर्स हैं इस टाइम के, नासिक, पैथन, पाटलिपुत्र, बनारस। आप देखेंगे सिल्क, लेदर गुड्स है ना, चमड़ा, सिल्क, फर, आयरन प्रोडक्ट्स, लौह से बने हुए प्रोडक्ट्स, आइवरी मतलब हाथी के दांत, पर्ल यानी कि मोती, स्पाइसेस मसाले है ना, मसाले कौन से वाले, MDH, चलिए तो MDH के मसाले, और MDH के मसालों पे यार हंसा मत करो, क्वेश्चन आ चुका है, UPSC पहले क्वेश्चन पूछ चुकी है ना, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, तो MDH मसाले, लिज्जत पापड़, और किसके बारे में लिखोगे वहां पे, हल्दीराम भुजिया, सवाल पूछ चुकी है UPSC, तुम्हें लगता है सर मजाक कर रहे हैं है ना, थोड़ा मेरे नजरिए से देखने की कोशिश तो किया करो, तुम हल्का हल्का पढ़ते रहते हो बस ऊपर ऊपर की चीजें, भैया थोड़ा गोते लगाओ, अंदर जाओ, UPSC की गहराई को नापो, जब गहराई को नापोगे तभी तो पता चलेगा, UPSC वहां वहां से क्वेश्चन पूछ रही है, जहां जहां से तुम्हारे सामने चीजें हैं फिर भी आप देख नहीं रहे। क्वेश्चन पूछा UPSC कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया का एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में बताएं, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कौन सा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, MDH मसाले, लिज्जत पापड़ और बीकानेरी भुजिया, हल्दीराम, ठीक है, तो सवाल पहले आ चुका है। आपको लगता है सर ऐसे मजाक में बोल रहे हैं, सर मजाक में भी जो बात बोलता हूँ ना, मजाक में भी जो बात बोलता हूँ ना, उसमें भी कुछ छुपा हुआ होता है, चाहो तो पकड़ के देखो तब समझ में आए तुमको, आओ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट के आइटम्स, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट के आइटम्स। अच्छा, प्लस पे जो अपकमिंग कोर्स है 7 से, उसका मैंने नोटिफिकेशन डाल दिया है, आप लोगों ने प्लस वाले बच्चों ने बोला था, अच्छा मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, भूल गया, सॉरी, चलो प्लस वाले बच्चों ने बोला था, बोल ही देता हूँ जब बोल रहा हूँ, तो कि वीकली क्विज करंट अफेयर्स का लेने के लिए सर, तो वीकली क्विज के लिए भी संडे का डाल दिया है, 10 AM to 12 AM संडे को वीकली क्विज हुआ करेगा करंट अफेयर्स का, पूरे साल चलेगा ये, ठीक है, 10 to 12 AM है ना, संडे, हर संडे 2 घंटे का वीकली क्विज चलेगा, ठीक, चलो। पोर्ट ऑफ ताम्रलिप्ति है ना, ताम्रलिप्ति का पोर्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट, काफी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था ईस्ट एशिया का, पूरे ईस्ट एशिया का एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था, ठीक भाई। और क्या बात है भाई, ज्यादातर कॉमोडिटीज जो हैं उन पर 1/5 टैक्स लगता था, जितना उनका वैल्यू होता था उसका 1/5 टैक्स लगता था इंटरनेशनल ट्रेड के केस में, ठीक है, मतलब टैक्स जो है वो बहुत ज्यादा भी नहीं था पर बहुत कम भी नहीं था, तो ऑप्टिमम टैक्सेशन गुप्ताज का था और इसीलिए गुप्ता का टाइम का रूल जो है वो बढ़िया चल रहा था, ठीक। आइए देखते हैं ट्रेड के बाद एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर जो है वो गुप्ता एम्पायर के टाइम पे मेन ऑक्यूपेशन था, बोलने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, ट्रेड अगर एग्रीकल्चर है तभी ट्रेड है, अगर एग्रीकल्चर नहीं हो तो एग्रीकल्चर के बिना ट्रेड भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जिन चीजों में ट्रेड कर रहे हैं उनमें से काफी सारी चीजें जो है वो एग्रो बेस्ड हैं, जो इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री है वो कैसा है, इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड है ना, काफी सारे इंडस्ट्रीज जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड हैं। चलिए, तो जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस था एग्रीकल्चर में वो लगभग लगभग जीरो था है ना, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में इंटरफेयर नहीं करती थी गुप्ता के टाइम पे, लैंड जो है वो काफी फर्टाइल था और इरिगेशन के संसाधन भी, सामान्य संसाधन उपलब्ध थे, इसीलिए एग्रीकल्चर काफी अच्छा चलता था, मतलब एग्रीकल्चर से भी आने वाला टैक्स बहुत सफिशिएंट होने वाला है, ट्रेड से भी पैसा आता है, तो गुप्ता एम्पायर का सोना ही सोना है, चांदी ही चांदी नहीं, गुप्ता एम्पायर का सोना ही सोना है, बिकॉज द गुप्ता एज इज नोन एज गोल्डन एज, इसीलिए डायलॉग चेंज कर दिया कि गुप्ता एम्पायर की चांदी है, नहीं, गुप्ता एम्पायर का सोना है मेरे भाई, सोना, ठीक है, वो वाला सोना नहीं जो तुम सोए रहते हो, IAS बनेंगे और फिर सो जाते हो, वो वाला नहीं, गुप्ता एम्पायर के लोग मेहनत करते थे है ना, मेहनत करते थे, ऑल इंडिया रैंक लाने वाली कैलिबर रखते थे, तुम चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो फिर किसी ने जबरदस्ती तो आज तक किसी को जिंदगी में किया ही नहीं, और जबरदस्ती करके आज तक कोई IAS नहीं बना, इतिहास गवाह है इस बात की कि जबरदस्ती किसी ने किसी के साथ की, घर वालों ने बच्चों के साथ की, आज तक मैंने तो एक भी बच्चा नहीं देखा, मैंने तो एक भी स्टूडेंट नहीं देखा जो घर वालों की जिद और जबरदस्ती से IAS बना। जिद और जबरदस्ती से IAS बन सकते हैं, बट वो जिद और जबरदस्ती खुद की होनी चाहिए, खुद की जिद होनी चाहिए कि भाई करेंगे तो करेंगे, दशरथ मांझी जैसा, कि पहाड़ तोड़ोगे, पागल हो क्या,
आप बोलो हाँ पागल हूं, पागलपन है बिल्कुल है इस चीज के लिए। इस लेवल का अगर कमिटमेंट हो ना सर, तब तो बात की जाए। इस लेवल का कमिटमेंट नहीं है फिर वजन कम है, वजन कम, वजन बढ़ाओ थोड़ा, वजन बढ़ाओगे तब तैयारी में मजा आएगा। उसके अलावा तैयारी में क्या, जीवन में मजा नहीं है। नहीं तो भैया इतने सारे लोग जी रहे हैं ना भारत में, इतने सारे लोग जी रहे हैं ना, 130 करोड़ से ज्यादा आबादी हमारे, 9 से 5 की नौकरी, रात को सोना, थोड़ा घर पे झगड़ा करना, दूसरे दिन फिर उसी मशीन की तरह नौकरी करना, इसी चक्र में फंसे हुए रह जाओगे, इसी चक्र में फंसे हुए रह जाओगे। इंजीनियर है तो एक साइकिल दहेज में मिल जाएगा, इससे ज्यादा इंजीनियर को आज क्या मिलेगा। एमबीए कर रखा है तो एक पल्सर मिल जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर उठो, ऊपर उठोगे तो ऊपर जाओगे, अगर अभी यहां से ऊपर नहीं उठोगे तो कभी ऊपर नहीं जाओगे। तो यहां से ऊपर उठना है, अपना मानसिक स्तर जो है उसको थोड़ा सा ऊपर करना, उसको थोड़ा सा नीचे से हाइड्रोलिक लगा के ऊपर कर देना। हाइड्रोलिक लगा के ऊपर कर दिए तो बस काम हो गया, और नहीं कर पाए तो फिर जिंदगी उसी चक्र में घूम जाएगी। और मतलब कोई भैया फैक्ट बता रहा हूँ, काफी सारे लोगों को बुरी लग जाती है कि सर आपने ऐसे बोला, सर मतलब अच्छा नहीं लगा सर हमें सर। अरे सारी बातें अगर तुम्हें अच्छी लगने लगी तब तो जिंदगी जिंदगी कहलाएगी ही नहीं मेरे भाई। सारी बातें अच्छी नहीं लगती कभी, आपको भी नहीं अच्छी लगती होंगी, मुझे भी नहीं अच्छी लगती, किसी को नहीं अच्छी लगती होंगी। वी आर नॉट लिविंग इन अ आइडियल वर्ल्ड, वी आर लिविंग इन अ रियल वर्ल्ड। सारी बातें तो अच्छी लग ही नहीं सकती, सारी बातें अच्छी हैं ही नहीं तो लगेंगी कैसे। जिंदगी को रियलिटी देखो, 130 करोड़ लोग, आज कोविड हो गया है, हेल्थ केयर सिस्टम पे एक्सेस नहीं मिल पा रहा है लोगों को, बढ़िया हेल्थ केयर सिस्टम पे एक्सेस नहीं है। आज कोविड हुआ है कल कुछ और होगा, तो दुनिया ना इधर जा रही है, तो तुम डिसाइड कर लो कि तुम भी उसी में जाते रहोगे या अपने लिए कुछ करने की कोशिश करोगे कि भैया हम थोड़ा सा तो कम से कम अपने आप को बचा पाए। कलेक्टिव गुड जो करना है वो तो अलग बात है, कलेक्टिव गुड जो करना है आपको, एनवायरमेंट का कंजर्वेशन करना है, गरीब कल्याण करना है, दरिद्र नारायण का कल्याण करना है, वो तो एक डिफरेंट टॉपिक है ऑल्टुगेदर, वो तो एक डिफरेंट टॉपिक है ऑल्टुगेदर। बट अपने लिए अलग से कुछ कर पा रहे हो क्या, अपना सेल्फ एम्पावरमेंट, अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर पा रहे हो क्या, अपने आप के लिए कुछ कर पा रहे हो क्या। आप बोलते हो सर हमें दूसरों के लिए कुछ करना है, हमें बड़ा बुरा लगता है सर, हम समाज के लिए, हम देश के लिए कुछ करेंगे। समाज के लिए और देश के लिए करने के लिए ना पहले खुद के लिए कुछ करना पड़ेगा। खुद के जेब में जब पैसे नहीं होंगे, मतलब ये एग्जांपल दे रहा हूँ, देश के लिए और समाज के लिए आपको सिर्फ पैसे से नहीं करना, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, बट उदाहरण के तौर पे समझिए, आप सड़क पे बाहर निकले, किसी ने पैसे मांगे कि भैया खाने के पैसे नहीं है दे दो, आप कब देंगे, जब आपके पास सरप्लस होगा, जब आपके पास सरप्लस होगा। तो दूसरों की, समाज की मदद करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए पहले खुद को एम्पावर होना पड़ेगा। वंस यू आर एम्पावर्ड यू विल बी एबल टू इनेबल अदर्स। तो पहले खुद तो एलिवेटेड पोजीशन पे आइए, खुद तो एम्पावर्ड पोजीशन पे आइए, अपने इसको तो जगाइए। नींद छोड़ो मेरे भाई, मैं सिर्फ वो सुबह वाली नींद की बात नहीं करता, मैं तुम जिस नींद में परमानेंट सोए हुए हो ना, कि सोचते हो करेंगे, क्लास अटेंड करते हो और फिर आधी अधूरी चीजें करके रह जाते हो, आंसर नहीं लिखेंगे, छोड़ो ना यार बाद में लिखेंगे, 2021 में अटेम्प्ट देना है, बहुत टाइम, यूपीएससी भी बोलेगा कि अभी तो सिर्फ 22-23 साल के हुए हो, 32 साल तक लिमिट है रिजर्वेशन वालों के लिए, और ज्यादा है, बहुत टाइम है, जाओ ना थोड़े 3-4 और अटेम्प्ट दो ना। आप डिसाइड कर लो, आपको मिलेगा वही आउटपुट में जो आप इनपुट में डालोगे। आप इनपुट में डालोगे इतना सा तो आउटपुट में आपको भी इतना सा ही मिलेगा। आप सोचोगे कि हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और दिन में 5 लेक्चर अटेंड करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हो तुम, 5 लेक्चर अटेंड करते हो, रिविजन के नाम पे लड्डू गोपाल, क्वेश्चन लिखने के नाम पे 7,000 बच्चों में 4 बच्चे लिखेंगे, जबरदस्त गजब तैयारी कर रहे हो तुम लोग। इसी तैयारी के साथ तो टॉपर बनते हैं आईएएस में सारे, तुम भी बनोगे, चिंता मत करो, एकदम लिखा हुआ है तुम्हारा नाम टॉपर होके, स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा तुम्हारा इसी तैयारी के साथ, है ना। अब वो लिखा कब जाएगा, कौन से जमाने में जाएगा ये पता नहीं है, बस कि अभी 1-2 साल बाद लिखा जाएगा या 1-2 दशक बाद लिखा जाएगा ये पता नहीं है, है ना। बस उस 1-2 दशक तक तुम्हारा एज जो है वो रुका रहे, वो एक्सीड ना करे,
तब शायद लिखा जाएगा, कोई दिक्कत वाली नहीं है। 10-20 साल में तो समझ ही जाओगे कि सर सही कह रहे थे, है ना, सर के बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए, सर के बाल ऐसे ही नहीं चले गए, खैर चले तो दूसरे रीजन से गए हैं। थोड़ा सा ध्यान लगा, मेरा कुछ नहीं जाता, मेरा कुछ नहीं जाता, जो आना है वो तुम्हारा आएगा। हाँ ये जरूर है कि तुम्हारा आएगा, तो मुझे भी एक सेटिस्फेक्शन होगी। मैंने YouTube पे इतना सारा पढ़ाया तो उसका फायदा कुछ बच्चों ने लिया, नहीं तो फिर मैं तो YouTube पे पढ़ाता रहूं और फायदा अगर किसी को ना मिले तो इतना सारा YouTube पे पढ़ाने का क्या फायदा, मेरे एफर्ट और अनअकैडमी के एफर्ट का क्या फायदा। अगर YouTube पे पढ़ा रहे हैं, फ्री प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, जो मतलब आज से कुछ साल पहले, आप सर आप सबसे पहले तो ये देखा करो कि आप लोग कितने अच्छे पोजीशन पे हो। आप अपने से 6 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, आप अपने पेरेंट्स से पूछे ना कि सरकारी एग्जाम की तैयारी किस प्रकार से करते थे। अगर उन्होंने सरकारी एग्जाम की तैयारी की, या उनके आसपास आपके कोई चाचा हो, बड़े भैया वगैरह हो, उनसे पूछे कि उन्होंने सरकारी एग्जाम की तैयारी किस प्रकार से की। सिलेबस क्या है ये नहीं पता चलता था लोगों को, आज तो टिप्स पे है आपके सारी चीजें, पूरा का पूरा कोर्स टिप्स पे है। फिर भी आपको अगर पढ़ने में दिक्कत लग रही हो, गड़बड़ है बॉस, गड़बड़ है तुम्हारा जो अंदर का सिस्टम है ना, वो सिस्टम गड़बड़ है, उस सिस्टम को सही कर लो। अगर सिस्टम को सही नहीं करोगे कुछ सही हो नहीं पाएगा, मुश्किल है बॉस। आओ ऑक्यूपेशंस देखते हैं, गुप्ता के टाइम पे कौन कौन से ऑक्यूपेशन चल रहे हैं। गुप्ता पीरियड में आप देखेंगे कि कई सारे क्लोथ सेंटर्स हैं, कई सारे कपड़ा उद्योग के सेंटर हैं, है ना, कई सारे कपड़ा उद्योग के सेंटर हैं, सिल्क इंडस्ट्री है, और सिल्क इंडस्ट्री ने एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखा है इस टाइम पे। मैंने आपको बताया पूरी की पूरी इकोनॉमी बूम पे है, ट्रेड ज्यादा हो रहा है। अब जब ट्रेड ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन अपने आप ज्यादा होगा, जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो जो प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं उनका विकास होगा, उनका डेवलपमेंट होगा। जो मंदसौर इंस्क्रिप्शन है गुप्ता काल का, मंदसौर इंस्क्रिप्शन बताता है कि किस प्रकार से सिल्क इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा था गुप्ता के काल में, है ना। तो मंदसौर जो इंस्क्रिप्शन है वो इकोनॉमी की व्याख्या करता है। गुप्ता के टाइम पे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर सभी चीजों का प्रयोग होता था ऑर्नामेंट्स बनाने में, कॉइन्स बनाने में। जो सिक्के इशू किए जाते थे वो गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के होते थे, ऑर्नामेंट्स गोल्ड के हुआ करते थे। गोल्ड कॉइन्स जो था वो बेसिकली राजाओं के पॉम्प एंड शो को दिखाता था, राजाओं का रुतबा दिखाता था, राजाओं का जो इकोनॉमी पे एक कंट्रोल है वो दिखाता था कि किस प्रकार से साउंड इकोनॉमी और साउंड पॉलिटी दोनों का को एग्जिस्टेंस है। एंड बिकॉज ऑफ द को एग्जिस्टेंस ऑफ द साउंड इकोनॉमी एंड द साउंड पॉलिटी, व्हाट आर यू हैविंग, क्या मिल रहा है आपको उसकी वजह से, आपको मिल रहा है उसकी वजह से हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाई इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक बढ़िया कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में अभी आप देखेंगे इतना बढ़िया इकोनॉमी चल रहा है तो आर्किटेक्चर जो है वो जबरदस्त चलेगा। टेम्पल आर्किटेक्चर अभी आपको दिखाऊंगा मैं, तो अलग अलग टाइप के टेम्पल आर्किटेक्चर चल रहे हैं, और सही मायने में पूछिए तो टेम्पल आर्किटेक्चर का एक नया फेज की शुरुआत हुई है गुप्ता टाइम से। गुप्ता टाइम से जो मतलब सेपरेट टेम्पल्स हैं कि अलग से खड़े हुए जो स्ट्रक्चरल टेम्पल्स हैं उनका एक नया फेज की शुरुआत है गुप्ता एज। तो गोल्ड कॉइन्स हैं, आप देखेंगे कि समुद्रगुप्त के जो कॉइन्स है, द कॉइन्स ऑफ समुद्रगुप्त एंड कुमारगुप्त, जो अश्वमेध यज्ञ के बाद रिलीज किए गए, उनमें घोड़े बने हुए हैं, घोड़े बने हुए है ना, उनमें घोड़े बने हुए। आप चंद्रगुप्त के कॉइन को देखेंगे उसमें गरुड़ बना हुआ है, और गरुड़ जो है वो सांप को खा रहा है, तो गरुड़ सांप को खा रहा है, घोड़े बने हुए हैं, ये सब क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये सब गुप्तास का पावर शो कर रहा है कि गुप्तास कितने मजबूत हैं, गुप्तास की भुजाओं में दम है, गुप्तास के एम्पायर में दम है। क्यों? गुप्तास के पास कल ही मैंने आपको बताया है मिलिट्री माइट है बॉस। गुप्तास ने एक बहुत इलैबोरेट मिलिट्री स्ट्रक्चर शुरू कर रखा है, और पॉइंट्स पे ये जो गरुड़ दिख रहा है सांप को खाते हुए, जो घोड़े दिख रहे हैं ये उसी को सिग्निफाई करते हैं, उसी तरफ इंगित करते हैं। ऑक्यूपेशंस की बात की हमने, ट्रेड की बात कर ली, एग्रीकल्चर की बात कर ली, आइए गिल्ड सिस्टम के बारे में भी थोड़ी बातें कर ली। वैसे गिल्ड सिस्टम के बारे में, गिल्ड सिस्टम के बारे में आपने काफी सारा डिस्कशन मैंने आपको शुरुआत में ही करा दिया है, पर जानते हैं क्या गिल्ड सिस्टम गुप्ताज के टाइम पे ही पहली बार आया? नहीं, गिल्ड सिस्टम जो है
आप देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में इससे पहले से भी थोड़ा थोड़ा आपको देखने को मिलेगा। जो जातक स्टोरीज हैं, जो जातक टेल्स हैं, वहां पे भी आपको गिल्ड सिस्टम का जो मेंशन है वो देखने को मिलेगा। गिल्ड्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया। कम्युनिटी है, इकोनॉमिक कम्युनिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है आर्टिजन्स की, ट्रेडर्स की, है ना, अलग 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 इकोनॉमिक फंक्शंस वाले लोगों की, ठीक है। और ये गिल्ड्स जो है, ये श्रेणियां जो है, इनकी समाज में एक हायर लेवल था, इनका समाज में एक ज्यादा पूछ हो रही थी लोगों की समाज में। गुप्ता टाइम पे आप देखेंगे कि जो गिल्ड की एक्टिविटीज हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और चूंकि अब देखो ध्यान से समझना इस लिंक को बहुत ध्यान से समझना। इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बढ़िया चल रही है, पॉलिटी साउंड है, साउंड पॉलिटी में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कहां से आ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी से, टैक्सेस से। और कौन दे रहा है टैक्सेस, ये गिल्ड वाले लोग। तो गिल्ड वाले लोग बोलेंगे कि भैया पॉलिटी में भी हमारा इन्फ्लुएंस होना चाहिए, जैसे आज अंबानी का इन्फ्लुएंस है, आज अडानी का इन्फ्लुएंस है पॉलिटी में, किसी भी देश में होता है कैपिटलिस्ट का। आप अमेरिका में देखिए, डोनाल्ड ट्रंप खुद बिजनेसमैन है, कैपिटलिस्ट, एंड ही हिमसेल्फ इज द प्रेसिडेंट, ठीक है। ये तो एक थोड़ा मतलब चरम पे बात हो गई, बट हर देश में अगर इकोनॉमी बढ़िया चल रही है, पॉलिटी स्टेबल है, आप देखेंगे कि एक नेक्सस आपको देखने को मिलेगा। पॉलिटी इज द गार्डियन ऑफ इकोनॉमी, पॉलिटी जो है वो इकोनॉमी का अभिभावक है, और पॉलिटी जो है वो इकोनॉमी के बदले नहीं चल सकती, इकोनॉमी के बदले नहीं चल सकती, है ना। मजबूत इकोनॉमी होगा तभी पॉलिटी होगा, अदरवाइज राजव्यवस्था क्या करेगी भाई। लोग जब भूखे मर रहे होंगे तो काहे की राजव्यवस्था रहेगी, व्यवस्था ही नहीं रहेगी राजव्यवस्था की तो दूर की बात। लोगों को खाना मिल रहा होगा, बढ़िया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, तब सारी व्यवस्थाएं अच्छी लगेंगी, है ना। तो आप देखेंगे कि गुप्ता टाइम में ये जो श्रेणियां हैं यही है नींव, जो बढ़िया इकोनॉमी चल रही है उसकी नींव कहाँ है, उसकी नींव है ये गिल्ड सिस्टम, उसकी नींव है ये श्रेणियां। और इसीलिए आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी, खासकर जब आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, तो गिल्ड्स का उसमें एक दखल रहेगा। तो आपको अगर याद होगा कल के सेशन में जब हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, तो मैंने वहां पे बताया कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें गिल्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव होते थे। सबको याद है क्या ये बात, सबको याद है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में गिल्ड का रिप्रेजेंटेशन था, कल आपको बताया था, याद आया सबको, लिंक हो पा रही है सारी बातें, हाँ या ना बताओ, जल्दी से बताओ कि सारी बातें लिंक हो पा रही है, एक दूसरे से आप कनेक्ट कर पा रहे हो क्या बातों को। अगर कनेक्ट कर पा रहे हो तो बहुत सारी चीजें ठीक है, तो तैयारी बिल्कुल सही जा रही है, आप हिस्ट्री जो है वो बिल्कुल सही समझ पा रहे हो। जल्दी बताओ समझ में आ रही है कि पूरा का पूरा जो कनेक्शन है ये समझ में आ रहा है, कि ये कनेक्ट एस्टेब्लिश हो पा रहा है क्या, जल्दी से बताओ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि गुप्ता एरा में इनका जो एक्टिविटी है ये बढ़ गया, और काफी सारे लिटरेचर्स में, काफी सारे इंस्क्रिप्शंस में, क्ले सील्स में इसके बारे में मेंशन भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। देयर इज मेंशन ऑफ गिल्ड्स ऑफ आर्किटेक्ट, है ना, जो आर्किटेक्ट हैं, भवन निर्माण करने वाले जो आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके भी गिल्ड्स हैं, और रघुवंश में इनका भी मेंशन है, ठीक है, समझ में आ रही है सारी बातें। आइए, तो इंदौर के जो कॉपर प्लेट है ना, इंदौर का जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है उसमें भी गिल्ड के बारे में मेंशन है, उसमें गिल्ड ऑफ ऑयलमैन, है ना, जो ऑयलमैन होते हैं, जो तेल के कारोबार को करते हैं, ऐसे लोगों के गिल्ड के बारे में मेंशन है, कहाँ पे, इंदौर कॉपर इंस्क्रिप्शन के बारे में, ठीक है। जो मंदसौर इंस्क्रिप्शन है इस समय का, वो सिल्क वीवर्स, है ना, सिल्क के जो बुनकर हैं उनके गिल्ड के बारे में मंदसौर इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। जो गिल्ड सिस्टम है वो गुप्ता पीरियड के बाद आप देखेंगे धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। गिल्ड सिस्टम जिस प्रकार से डिक्लाइन होगा, जितना नीचे गिल्ड सिस्टम जाएगा उतनी नीचे इकोनॉमी जाएगी। दोबारा बोलता हूं, जिस प्रकार से और जिस समय से गिल्ड सिस्टम का डिक्लाइन शुरू होगा, उसी समय से इकोनॉमी का भी डिक्लाइन शुरू होगा। गुप्ता काल जो है वो पीक है, गुप्ता काल जो है वो चरम है, है ना, गुप्ता काल हाइट है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। तो ऐसे ऊपर गया है और फिर ऐसे नीचे भी जाएगा, पीक के बाद हमेशा आपको अस्त देखने को मिलेगा, है ना? तो गुप्ता काल के बाद भी आपको अस्त देखने को मिलेगा। उस अस्त में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा कि गिल्ड सिस्टम का डिक्लाइन, गिल्ड सिस्टम जिसकी वजह से मैंने आपको बोला कि इस समय की जो स्ट्रांग इकोनॉमी है उसका जो नींव है वो गिल्ड सिस्टम या श्रेणी है, ठीक है। तो ये बात हो गई भैया किस चीज की, इकोनॉमी की। अब आइए कल्चर पे चलते हैं, जब इकोनॉमी को समझ गए तो कल्चर को समझना
आसान होगा हमारे लिए। तो गुप्ता काल मैंने आपको पहले ही बताया, गुप्ता काल कैसा है, सोने का काल, गोल्डन टाइम है, गोल्डन एज है भारत का। और जब ये गोल्डन एज है तो यहाँ पर गोल्डन एज में इकोनॉमी का तो रोल है ही। इस इकोनॉमी की वजह से, एक साउंड इकोनॉमी की वजह से आप देखेंगे यहाँ पर बढ़िया आर्ट्स हैं, यहाँ पर बढ़िया आर्किटेक्चर है, यहाँ पे बढ़िया स्कल्पचर है, यहाँ पे एक बढ़िया पेंटिंग है। तो जब आप इन सारी चीजों को मिला देंगे कि इकोनॉमी भी बढ़िया, आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर, सारी चीजें बढ़िया, बढ़िया पेंटिंग, बढ़िया लिटरेचर, तो आप क्या बोलेंगे कि ओवरऑल गुप्ता पीरियड जो है वो क्लासिकल एज है भारत का। गुप्ता पीरियड इज अ क्लासिकल एज फॉर इंडिया, गुप्ता पीरियड इज अ गोल्डन एज फॉर इंडिया, है ना। और आप जब गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज बोलेंगे तो आपको थोड़ा सा ये भी समझना पड़ेगा कि इस गोल्डन एज की जो आर्किटेक्चर व्यवस्था, आर्किटेक्चर जो है वो किस प्रकार की। तो गुप्ता पीरियड के आर्किटेक्चर को आप देखेंगे तो गुप्ता पीरियड के आर्किटेक्चर में आपको प्रमुख रूप से टेंपल आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। और सबसे स्ट्राइकिंग फीचर क्या है, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान रखना, दिमाग में भी नोट कर लेना और नोटबुक में भी नोट कर लेना। जो बच्चे नोटबुक लेके नहीं बैठते हैं सेशन में, आप समझ लीजिए आधा अधूरा काम कर रहे हैं, सिर्फ कहानी सुन रहे हैं, मूवी नहीं चल रही है, क्लास हो रही है। क्लास में कोशिश करता हूँ कि जिस प्रकार से ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ उस तरह से पढ़ाऊँ। आपके यहाँ तो थोड़ा सा लिमिटेशंस होती है, पीपीटी से पढ़ाना पड़ता है, प्लस में तो मैं पीपीटी से पढ़ाता ही नहीं हूँ, व्हाइट बोर्ड होता है और उसी पे लिख के पढ़ाता हूँ सारी चीजें, बस ये पेन और ये मेरा दिमाग, बस इतनी सी चीजें होती है प्लस क्लास में, इसके अलावा कुछ नहीं होता। जब क्वेश्चंस लाने होते हैं उस दिन सिर्फ पीपीटी आती है, उसके अलावा पीपीटी आती ही नहीं है, एक भी क्लास में पीपीटी नहीं आती मेरे प्लस की क्लास में, बोर्ड और ये कलम और ये दिमाग, बस इतना सा गेम होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा सा रियल टाइम एक्सप्लेनेशन दे सकूं। मैं पीपीटी पढ़ने थोड़ी आता हूँ यार, पीपीटी पढ़ना हो तो बुक पढ़ के काम चला लो, और जब अगर पढ़ा रहा हूँ तो नोट बनाना बहुत जरूरी है। नोट्स नहीं बना रहे हो ना तो अपना समय व्यस्त कर रहे हो, तुम समय व्यर्थ में जाने दे रहे हो, नोट्स बना लेना बहुत काम आए। कहानी सुनो अच्छी बात है, बट साथ ही साथ नोट्स भी बनाना है, है ना, नोट्स भी बनाना है, ठीक। आओ तो रॉक कट आर्किटेक्चर जो है वो इस टाइम पे जेनिथ पे पहुंच गया है, है ना। रॉक कट आर्किटेक्चर रीच्ड इट्स जेनिथ इन गुप्ता एरा। और नई शुरुआत गुप्ता एरा में किस चीज की हो गई, फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स की। फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स मतलब ऐसा नहीं, पहले मंदिर बन रहे थे तो पत्थरों को, यहाँ पर पत्थर है, पहाड़ी है, उसी में से पत्थर को काटकर मंदिर बना दिया। अब फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स है, मतलब जिस प्रकार के टेम्पल आज बनाए जाते हैं, अच्छा यहाँ पे जमीन खाली, चलो यहाँ पे ईंट लगा के, पत्थर लगा के मंदिर बनाना शुरू करते हैं, इसको बोलते हैं फ्री स्टैंडिंग टेम्पल। फ्री स्टैंडिंग टेम्पल की शुरुआत गुप्ता एज में हुई, इससे पहले फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स नहीं है, ठीक है। चलें आगे चलें, फ्री स्टैंडिंग टेम्पल अब से शुरू हुआ है, आओ। तो आप देखेंगे की एग्जाम्पल्स जो है गुप्ता आर्किटेक्चर के, द की एग्जाम्पल्स ऑफ गुप्ता आर्किटेक्चर कौन कौन से मंदिर है, जो दशावतार टेम्पल है देवगढ़ का वो, है ना, जो भीतरगांव टेम्पल है वो, विष्णु टेम्पल तिगावा जबलपुर का वो, शिवा टेम्पल ऑफ घुमारा, पार्वती टेम्पल ऑफ नचारिया कथूरा, मुकुंद दर्रा टेम्पल ऑफ कोटा, लक्ष्मण टेम्पल ऑफ रायपुर, लक्ष्मण टेम्पल ऑफ रायपुर, शिवा टेम्पल ऑफ को और भितारी टेम्पल ऑफ गाजीपुर। और इसके साथ साथ, मंदिरों के साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ स्तूप भी देखने को मिलेंगे, है ना। तो धामिक स्तूप जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, धामिक स्तूप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट मास्टरपीस है गुप्ता काल का, ठीक है। तो धामिक स्तूप को भी आप ध्यान में रखिए। आइए देखते हैं कि गुप्ता टेम्पल आर्किटेक्चर किस प्रकार का है, क्या गुप्ता टेम्पल आर्किटेक्चर में कोई एक सर्टेन टाइप है कि मंदिर इसी प्रकार से बनेंगे या कुछ अलग अलग टाइप्स है। तो गुप्ता में दरअसल पांच प्रकार के मंदिर बन रहे हैं गुप्ता काल में, पांचों प्रकार को देखेंगे, है ना। तो आइए फटाफट से आपको मैं लिए चलता हूँ फाइव टाइप्स की तरफ से। तो टाइप वन जो है वो इस प्रकार का है जैसा आपको साइड की इमेज में दिख रहा है। इसमें जो विशेषता है वो क्या है, ध्यान देना क्या विशेषता है टाइप वन में। टाइप वन की विशेषता ये है कि भैया यहाँ पे फ्लैट रूफ है। टाइप वन की क्या विशेषता है, यहाँ पे रूफ जो है वो किस प्रकार का है, बिल्कुल फ्लैट रूफ देखने को मिलेगा आपको टाइप वन में, है ना। द रूफ इज फ्लैट, फ्लैट रूफ आपको देखने को मिलेगा यहाँ। चलिए, टाइप वन में फ्लैट रूफ है और शैलो पिलर्ड पोर्च है, है ना। जो मंडप आप किसको कह सकते हैं, मंडप या पोर्च जिसको आप कह सकते हैं, वो बिल्कुल थोड़ा शैलो है और सिंपल सा है ना। कोई बहुत ज्यादा
नक्काशी वगैरह का चीज यहाँ पे नहीं है। गर्भगृह, गर्भगृह जो है वो मंदिर के केंद्र में लोकेटेड है, मंदिर के सेंटर में लोकेटेड है। एक सिंगल एंट्रेंस है और एक सिंगल मंडप है, सिंगल एंट्रेंस विद सिंगल मंडप। और मंडप जो है वो फर्स्ट अपीयर्स टू ओरिजिनेट फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम हियर, है ना। मंडप का जो कंसेप्ट आया कि भैया एक प्रमुख भगवान का जो स्थल होगा उसके सामने कुछ ऐसे बरामदा सा होगा, कुछ बालकनी सी होगी, मंडप सा होगा, ये कंसेप्ट जो है ये धीरे धीरे यहीं से आना शुरू हुआ। आप देखेंगे कि इसके बाद के टाइम में एक के बदले दो मंडप होने लगे, महामंडप अर्ध मंडप होने लगे। अभी मंडप का जो शुरुआत है वो यहाँ से हुआ है। अगर इस टाइप वन का, जिसकी सबसे यूनिक फीचर क्या है टाइप वन में, आपको कैसे याद रखना है, सबकी एक यूनिक फीचर होंगी, मतलब फीचर्स तो काफी सारे, एक जो आपको सबसे प्रमुख रूप से याद रखना है फ्लैट रूफ, है ना, फ्लैट रूफ। तो फ्लैट रूफ है और इसका एग्जाम्पल क्या है, विष्णु वराहा टेम्पल ईरन मध्य प्रदेश, है ना। ईरन इंस्क्रिप्शन की भी हम बात कर चुके हैं पहले, तो विष्णु वराहा टेम्पल ईरन मध्य प्रदेश, ठीक है जी, विष्णु वराहा टेम्पल ईरन मध्य प्रदेश। चलिए फिर बात करते हैं टाइप टू की। टाइप टू टेम्पल्स जो हैं उनका विशेष क्या है, उनके बारे में विशेष क्या है कि ये स्क्वायर टेम्पल्स होते हैं। किस प्रकार के टेम्पल होते हैं, स्क्वायर टेम्पल होते हैं, है ना। और एक स्क्वायर टावर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, शिखर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए ये एक आपको शिखर देखने को मिल रहा है ना मंदिर में, ऊपर एक शिखर बना हुआ है ना, तो एक शिखर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पिलर्ड अप्रोच है, कई सारे पिलर्स पर ये पूरा का पूरा आर्किटेक्चर टिका हुआ है। और एक ऊंचा प्लेटफॉर्म है, आप देखिएगा पिछले वाले में कोई ऊंचा प्लेटफॉर्म नहीं था, सामान्य लेवल पर था मंदिर, जो टाइप टू है उसमें एक ऊंचा प्लेटफॉर्म बना हुआ है और उस प्लेटफॉर्म पर भगवान विराजमान है। इस प्रकार का जो आर्किटेक्चर है ये आपको कर्नाटक के ऐहोल नामक जगह में देखने को मिलेगा, है ना। जो लाडखंड टेम्पल है, ये एल लिखा हुआ है, स्मॉल एल है, इसीलिए आपको शायद कंफ्यूजन ना हो, स्मॉल एल, लाडखंड टेम्पल ऑफ ऐहोल कर्नाटक, ये टाइप टू टेम्पल का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक है, कंफर्टेबल, समझ गए, आ जाओ। अगर यहां तक की बातें समझ में आ गई हैं तो थोड़ा आगे चलें, और अगर अभी तक आप में से किसी ने लाइक और शेयर नहीं किया है तो पता है आप गुनाह कर रहे हो। बेस्ट कंटेंट है सिर्फ अपने पास रख रहे हो, थोड़ा बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, तो फटाफट से शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर लीजिए, है ना, ठीक है, जल्दी से। तो टाइप टू टेम्पल, टाइप टू टेम्पल के बाद आ जाओ टाइप थ्री टेम्पल पे। लाइक अगर नहीं किया किसी ने तो जल्दी से लाइक वाइक कर लेना, ठीक है, और वीडियो खत्म हो जाए तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। आइए टाइप थ्री टेम्पल देखते हैं। टाइप थ्री टेम्पल जो है वो पहले टाइप का, फर्स्ट टाइप का ही इलेबोरेशन है ना, जो फर्स्ट टाइप है उसी का इलेबोरेशन, उसी का एक्सटेंशन है टाइप थ्री, है ना। टाइप थ्री जो है उसमें आपको एक प्रदक्षिणा पथ देखने को मिलेगा। अब आप बोलेंगे सर ये प्रदक्षिणा पथ का मतलब क्या होता है, प्रदक्षिणा पथ मतलब जो मुख्य मंदिर है, मुख्य जहां पर देवता या जहां पर भगवान स्थापित होंगे या स्थापित हैं, उसके चारों तरफ एक रास्ता जहां पे आप हाथ जोड़कर चक्कर लगाते हैं, है ना, परिक्रमा करते हैं ना, तो प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। तो प्रदक्षिणा पथ यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जुड़ गया, ठीक है, तो एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या जुड़ा है टाइप थ्री टेम्पल में, प्रदक्षिणा पथ। कई बार आप देखेंगे कि एक सेकंड स्टोरी प्रेजेंट है, मतलब दो तल्ला, है ना, दो सेकंड स्टोरी, ये कौन सा कहानी वाला स्टोरी नहीं है, फर्स्ट स्टोरी, सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, वो वाला स्टोरी है, मतलब दो मंजिल इमारत भी आपको टाइप थ्री में देखने को मिलेगा। जो दशावतार टेम्पल है झांसी के, है ना, झांसी में देवगढ़ नामक जगह है, वहां पे जो दशावतार टेम्पल है वो टाइप थ्री का ही एग्जाम्पल है। अच्छा आपको याद है एक दिन मैंने अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में बताया, अलेक्जेंडर कनिंघम जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर थे, ब्रिटिश के आर्मी में वो एक इंजीनियर थे, बाद में उनका हिस्ट्री में इंटरेस्ट आया तो इधर पहुंच गए। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही इस मंदिर को ढूंढा तो किसी और ने था, बट इस मंदिर का नाम दशावतार टेम्पल जो नाम है ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही नाम दिया था, ठीक है। तो ये बात मतलब वैसे आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू शायद इंपॉर्टेंट ना हो, कभी यूपीएससी का सर फिरे तब पूछ सकती है, बट मैंने तो आपको ऐसे वैल्यू एडिशन के लिए बताया, आपकी अलग से जानकारी के लिए बताया। चलिए
तो दशावतार टेम्पल है ना, दशावतार टेम्पल जो है वो टाइप थ्री का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको एक प्रदक्षिणा पथ मिलता है, सेकंड स्टोरी भी हो सकता है। जो यूनिक अचीवमेंट है इस स्टेज का वो है क्या, वो है कर्वीलिनियर टावर्स और शिखर। आप देखिए इससे पहले वाले में शिखर जो है वो बिल्कुल ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का शिखर है, इस प्रकार का शिखर है, पर जब आप टाइप थ्री में जाएंगे तो शिखर जो है वो इस प्रकार का हो गया है, इस प्रकार का शिखर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो कर्वीलिनियर फीचर है ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है टाइप थ्री आर्किटेक्चर का। जो नागरा स्टाइल के टेम्पल हैं, है ना, जो नागरा स्टाइल के टेम्पल है इज सेट टू बी द सक्सेस ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ टेम्पल मेकिंग, है ना। यहीं से जो नागरा स्टाइल का टेम्पल है उसकी उत्पत्ति होती है। तो नागरा स्टाइल के टेम्पल्स की उत्पत्ति थर्ड टाइप से होती है। फिर आता है हमारा चौथा टाइप, टाइप फोर। इसमें आपको रेक्टेंगुलर टेम्पल देखने को मिलेंगे, है ना, रेक्टेंगुलर टेम्पल देखने को मिलेंगे। एक बैरल वॉल्टेड रूफ देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको साइड में दिख रहा है ना, एक बैरल वॉल्टेड रूफ देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, कहाँ, कापोतेश्वर टेम्पल आंध्र प्रदेश, है ना, कापोतेश्वर टेम्पल आंध्र प्रदेश में आपको टाइप फोर देखने को मिलेगा। टाइप फोर के एग्जाम्पल थोड़े कम देखने को मिलेंगे टोटालिटी में। और पांचवा आता है सर्कुलर टेम्पल, है ना, बिल्कुल गोल, है ना, बिल्कुल गोल। आप यहाँ पे ये देखिए मंदिर, इसकी आपको छत देखकर पता चल रहा हो कि ये मंदिर बिल्कुल ऐसा है, गोल, है ना, ऐसा डब्बे जैसा, राउंड शेप के बॉक्सेस होते हैं ना जो मम्मी किचन में रखती है, बिल्कुल उसी शेप का। और उसके ऊपर वो आपके वर्जिन मोहितो में ऊपर जो छतरी लगी हुई आती है ना, जो आप फिल्मों में देखते हैं या कभी आप बाहर जाते हैं तो वो जो छतरी लगी हुई होती है मोहितो में, तो उस छतरी को ग्लास के ऊपर रख दो, है ना, मतलब ये ग्लास आपका वर्जिन मोहितो का ग्लास, अरे वही जिसको देशी भाषा में तुम मजीतो बोलते हो, मोजीटो बोलते हो, सॉरी आई मीन, है ना, तो ये मजीटो का गिलास है तुम्हारा, गिलास, मजीटो का गिलास। और इस मजीटो के गिलास के साथ यहाँ पे एक लगा हुआ होता है क्या, यहाँ पे लगा होता है एक स्ट्रॉ, और स्ट्रॉ के ऊपर एक होती है छतरी, ठीक है। तो इस छतरी को वहां से हटा के यहाँ पे लगा दो तुम, ठीक है, इस छतरी को यहाँ पे लगा दो। तो यही हो गया हमारा क्या, यही हो गया हमारा टाइप फाइव सर्कुलर टेम्पल, ठीक है, टाइप फाइव सर्कुलर टेम्पल, समझ गए। तो आरती कह रही है सर मशरूम जैसा, अरे गजब, एकदम सही पकड़े हैं, एकदम सही पकड़े हैं, बट मशरूम में मजा नहीं है ना, मशरूम का एग्जांपल देता तो तुम्हें कहाँ याद रहता, अब जब वर्जिन मजीटो का एग्जांपल दिया तब तुम्हें याद रहेगा ना, इसीलिए वर्जिन मजीटो का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है जी, मजीटो का गिलास। चलो, तो शैलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मनियर माथ श्राइन जो है राजगीर बिहार में, वो टाइप फाइव का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज हमने जाना गुप्ता काल की इकोनॉमी के बारे में, गुप्ता काल की इकोनॉमी को समझ के फिर हमने कल्चर पर डिस्कशन शुरू किया। कल्चर पर जो डिस्कशन हम कर रहे हैं उसमें हमने क्या जाना, कल्चर पर जो डिस्कशन हम कर रहे हैं उसमें हमने जाना कि किस प्रकार से इकोनॉमी कल्चर को इन्फ्लुएंस कर रही है, और बढ़िया इकोनॉमी होने के कारण फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स का डेवलपमेंट शुरू होता है। और टेम्पल्स में भी आप देखेंगे एक ही, सिर्फ गुप्ता पीरियड में इतने सारे वैरायटीज हैं, मतलब वहां पर कोशिशें चल रही है कि किस प्रकार से। आप देखो पहला टाइप जो है वो कितना सिंपल सा है, आप देखिए थर्ड टाइप आते आते थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, मतलब वहां पर कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से थोड़ा और अच्छा, थोड़ा और अच्छा कर सके, ठीक है। तो कल से हम अनअकैडमी के ऐप पे 10 बजे मिला करेंगे। कल से नई दो चीजें क्या है, नई पहली नई चीज है कि 10 AM पे जो हम पॉलिटी के सेशंस कर रहे थे पिछले महीने कुछ दिन करके, फिर हमने थोड़ा सा ब्रेक दिया हुआ था, उसको वापस से शुरू करेंगे 10 AM पे पॉलिटी के लक्ष्मीकांत के सेशन, लक्ष्मीकांत प्लस NCERT दोनों कवर करेंगे। तो जिन लोगों ने पहले सेशंस नहीं देखे हैं आप ऐप पे जाइए, ऐप पे सर्च बार में, अनअकैडमी के ऐप पे जाके सर्च बार में दुर्गेश नंदन टाइप कीजिए। दुर्गेश नंदन टाइप करने के बाद वहाँ पे आपको मेरे स्पेशल क्लासेस में ये सारी कोर्सेज मिल जाएंगे। तो आपको अभी कौन से देखने, कल पॉलिटी अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो आप इन वाले कोर्सेज को देख लीजिए, जो जहाँ पे कोर्स के नाम के सामने ऐसा लिखा हो, जिस क्लास के नाम ने पॉलिटी सीरीज, है ना, पॉलिटी सीरीज डे वन डे टू इस प्रकार के नाम लिखे होंगे, ठीक। तो पॉलिटी सीरीज के 8 क्लासेस हम कर चुके हैं, तो 8 क्लासेस कर चुके हैं, आप आराम से देखिए इसमें से जितना देख पाए कल सुबह तक। फिर कल सुबह 10 बजे मिलेंगे और इसके आगे की कहानी हम करेंगे। 8 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको आप जरूर देख लें।
इसके अलावा ज्योग्राफी अगर आप शुरू करने वाले हैं तो ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक सेशन हमने 23 अगस्त को किया था, ये भी आप जरूर से देखें, ठीक है। सेल्फ स्टडी से ज्योग्राफी कवर करना चाहते हैं, शुरुआत में दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे मई के मंथ में लिए हुए ये अर्थ बेसिक्स वाले सेशन को जरूर देखें, ठीक है। मई मंथ में लिए हुए अर्थ बेसिक्स के 3-4 सेशन है, बट सच मानिए, हकीकत बता रहा हूँ आपको, आप 3-4 सेशन भी अगर देखेंगे तो अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आपको काफी मदद मिलेगी एक बढ़िया बेस बनाने में, ठीक है। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन तो आपके लिए खैर ओपन है ही। अच्छा, एक नया अपडेट ये था 10 बजे, दूसरा अपडेट भी आपको बता चुका हूँ, कल से 7 बजे जो है हम क्या करने वाले हैं, 7 बजे वाले सेशन में हम लगभग 40 मिनट का इनिशियल जो हमारा डिस्कशन होता है वो करेंगे, ठीक है। 40 मिनट्स तो हमारा जो डिस्कशन चलता है, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, वो डिस्कशन रहेगा। एंड के 20 मिनट्स है ना, 40 मिनट्स वो जब हो जाएंगे, एंड के 20 मिनट्स में आपको प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स आपको मैं करवाऊंगा रोज, ठीक है। प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर्स अगले कुछ दिनों तक करवाऊंगा, ठीक है, रेडी, ठीक है। चलिए, तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर नया बैच कब शुरू हो रहा है सर, है ना, सब्सक्रिप्शन आजकल बड़ा चल रहा है ग्रुप पे उधर कि सर सब्सक्रिप्शन वाले बच्चों के साथ आप भेदभाव करते हो, उनको ज्यादा ध्यान देते हो, फ्री वालों को नहीं देते हो। यार ऐसा नहीं है, सब पे ध्यान देने की कोशिश करता हूँ, बाकी थोड़ा बहुत डिफरेंस तो ऑब्वियसली बात है रह ही जाता है, तो वो तो मतलब जो कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी ने जो चीज़ें बनाई हैं वो उसी प्रकार से बनाई है कि कुछ डिफरेंस तो रहेगा ही ना, कुछ डिफरेंस अगर नहीं होगा तो फिर मतलब प्लस का एडवांटेज है, कुछ डिफरेंस तो ऑब्वियसली बात है रहेगा ही, कंपनी की पॉलिसी ऐसी है। बट ऐसा नहीं है कि मैं जो हमारे यूट्यूब वाले बच्चे हैं या स्पेशल वाले बच्चे हैं, आप इतने टाइम से मुझसे पढ़ रहे हैं तो कोई भी उनके साथ नेग्लेक्शन नहीं है, उनको कभी नेग्लेक्ट नहीं करता, उनको कभी इग्नोर नहीं करता, ये बात खुद आप लोग जानते ही हैं। खैर चलिए, तो ये बातें थी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर, आप आना चाहें आप भी आ जाइए, 7 तारीख से नया बैच शुरू करें, 7 सितंबर से, इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन, ठीक है, इफ़ यू वांट यू कैन इजीली ज्वाइन फ्रॉम 7 सितंबर। कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा यहाँ पे, पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आपका जीएस, आपका सीसेट, आपका ऑप्शनल, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। और कोर्स के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी होगा, मतलब आप कोर्स कीजिए साथ ही साथ अपना असेसमेंट भी कीजिए, क्विजेस भी कीजिए। और 7 AM का सेशन यूट्यूब पर होता है रोज, 7 AM का सेशन यूट्यूब पर होता है रोज, ठीक है। और जो अनअकैडमी के ऐप के सेशन है उसके लिए अनअकैडमी के ऐप पे जाइए, सर्च बार में दुर्गेश नंदन टाइप कीजिए और वहां पे आप क्या कर दीजिए, दुर्गेश नंदन टाइप करने के बाद क्या करिएगा, मुझे फॉलो कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाला जो बटन है उसको प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो एक सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा आप अगर प्लस पे, तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा, मतलब आप सारे टीचर के सारे कोर्सेज देख सकते हैं कंप्लीट, आपका जीएस भी कवर हो जाएगा, ऑप्शनल भी कवर हो जाएगा, सीसेट तो खैर है ही, सारी क्लासेस बिल्कुल लाइव होती हैं और लाइव के साथ साथ इंटरैक्टिव होती हैं, आप टीचर के साथ रियल टाइम बेसिस पे इंटरैक्ट कर सकते हैं, है ना। जब रियल टाइम बेसिस पे आप टीचर के साथ इंटरैक्ट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और आपका जो मन में डाउट वगैरह है वो भी साथ ही साथ खत्म होता रहता है। सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको इस कोड का यूज करना है ना, DN Live कोड यूज कीजिए आप, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको सब्सक्रिप्शन लेते समय। और DN Live यूज करने का फायदा यह है कि आपको बेसिकली मेरी गाइडेंस पूरी मिलती रहेगी, एग्जाम के सारे लेवल्स पे, एग्जाम के सारे स्टेजेस पे आपको मेरी गाइडेंस मिलती रहेगी और आप उनसे सीख रहे होंगे जिनसे अभी तक टॉपर्स ने भी सीखा है। यू कैन चेक दिस वर्ड्स फ्रॉम हिमांशु गुप्ता, ऑल इंडिया रैंक 27, है ना। तो हिमांशु का लेटर भी देख सकते हैं आप, पास्ट में काफी सारे, मतलब इवन माय स्टूडेंट्स हैव बीन टॉप स्कोरर्स इन यूपीएससी इंटरव्यूअर्स, तो आपको एग्जाम के सारे, इसीलिए मैं मेंशन करता हूं कि हर लेवल पे आपको मेरा गाइडेंस मिलेगा, सिर्फ प्रीलिम्स या मेंस तक नहीं, आपको इंटरव्यू में भी मेरा काफी सपोर्ट, काफी एक्सपीरियंस, जो मेरा एक्सपीरियंस है इंटरव्यू के लेवल का, उसको आपको काफी मदद उससे भी मिलने वाली है, ठीक है। चलिए, कंफर्टेबल, चलिए प्रो टिप्स भी आपको मेरे एंड से मिलते रहेंगे इफेक्टिव प्रिपरेशन के लिए, और ये सारी चीजें होंगी जब आप सब्सक्रिप्शन DN Live कोड यूज करके लेंगे, ठीक है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है वो 39,000 का है, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है वो 57,000 का है, डन। चलो, आप आइकॉनिक लेना चाहते हैं तो आइकॉनिक भी ले सकते हैं, आइकॉनिक में आपको एडेड एडवांटेज क्या मिलेगा, आइकॉनिक में आपको एडेड एडवांटेज मिलेगा कि आपके लिए पर्सनल कोच होंगे, आपको डेली वहां पर मेंस आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे, स्टडी प्लानर होगा, ठीक है, और पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिलेगी, ये सारी फीचर्स आपको आइकॉनिक पे मिल जाएंगे।
जो 12 मंथ्स का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है दैट इज फॉर 64,000, 2 ईयर का जो है दैट इज फॉर 99,000, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द सब्सक्रिप्शन प्लान एंड यू कैन ज्वाइन फ्रॉम यू नो मतलब इन अ डे और टू आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आप नए बैच में आने की सोच रहे हैं तो। इन अ डे और टू इसलिए ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि हमारा जो बैच है वो 7 तारीख से शुरू हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप उससे पहले से थोड़ा आकर मेरे साथ वार्म अप कर लें, है ना। तो आप वार्म अप कर लेंगे, जब आप कुछ भी बड़ा करते हैं तो थोड़ा आपको लेवल जीरो पे भी कुछ काम करना पड़ता है। हमेशा आप बिल्कुल सीधा कूद थोड़ी ना जाएंगे तैयारी में, तो सीधा कूदना नहीं है, पहले बिल्कुल एक नंबर गियर पे गाड़ी को शुरू करनी है। इसलिए कोशिश कीजिएगा थोड़ा पहले सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आप 7 तारीख से लें, बट अगर आप 7 को ले ही रहे हैं तो आप उससे 2-3 दिन पहले ले लेंगे, 4 दिन पहले ले लेंगे तो आपको थोड़ा ओरिएंटेशन मिल जाएगा, तो उसमें क्या दिक्कत है, है ना। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप आराम से आइए, मेरे साथ रहिए और एग्जाम के लिए खूब मन लगा कर मेहनत कीजिए, ठीक है। और बाकी जो लोग यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं वो तो यूट्यूब पे पढ़ते रहिए, मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ ही, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मी टू यू, लेट्स क्रैक इट।